Is it going? Assalamu alaikum friends. Welcome to our comedy gaming channel Asif Candyman. So friends, dil tham ke aankhein khol ke dekhiyega peshe khidmat hai Resident Evil 4 ka chapter 2. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. So guys, let's start the game. It begins now. So friends, look at the character jiske kar diye hain kapde humne change, usko lagwane ke liye kafi handsome, aur ye wahi banda hai jo ke humko mila tha pichli game mein, jisko ke humne bachana nahi tha, magar by the way hame isko bachana pad gaya aur ye humko hook ke sath band diya gaya hai. शायद ही हमें उसको बचाने की सजा दी गई है या क्या है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा. नाउ चेंज द टाइम ऑफ कमेंट्री. देखते हैं अब हमें यहाँ से क्या करना होगा और किस तरफ जाना होगा. पहले तो इस चेन को खोल के हमें इसको छुड़ाना होगा. मेरे ख्याल से इसका नाम था अल्बर्टो, यहाँ पता नहीं क्या है, नाम से क्या लेना देना है. सबसे पहले तो छुड़ाना है इसको और यहाँ से निकलना है, इससे पहले कि वो दद्दू फिर से आ जाए और हमें उल्टा उठा के पटकने लग जाए. लास्ट टाइम भी दद्दू ने हमें बहुत मारा था. और लगता है इसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है हमारे फ्रेंड के बारे में जिसको हमने ढूंढा है. जैसा कि आपको हमने पहले चैप्टर में भी बताया था कि हमारी फ्रेंड यहाँ खो गई है जिसको हम ढूंढते ढूंढते इस पागल से विलेज में आए और इन सब मुसीबतों में फंस गए. देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना होता है और हम कहाँ पहुँच पाते हैं. पहले तो चेन, चलो शुक्र है चेन तो खुल गई, चेन तो खुल गई. अब देखते हैं अब हमें यहाँ से कहा था. वो ज़ॉम्बी साथ ही आ गए. यार ये ज़ॉम्बी पीछा क्यों नहीं छोड़ दे, मुझे समझ नहीं आ रही. बना दिया. तो गाइस ये होता है टीम वर्क का नतीजा और दोनों ने उसको बहुत ही बुरी तरह फांस लिया और ये एक झटके के साथ उसकी मुंडी गई टूट, गर्दन गई टूट और ये उन्होंने कर दी. और ये क्या, उसको की मिल गई है लगता है. वो भागने की कोशिश करेगा और यस वही हुआ जिसका डर था. और जिसने उसको बचाया उसको वो चाबी नहीं दे रहा, चाबी उसे फेंक दिया दूर. शायद उससे इसको कोई हो रहा खतरा महसूस गाइस. मगर देखते हैं अभी तक हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं हुआ, क्या करेंगे. और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2. और ये हमें पता चल गया डेजिनेशन कहाँ पे हमने जाना है. और लगता है दद्दू ने हमारे सारे सामान हमसे ले लिए और अभी हमें पहले अपने सामान ढूंढने होंगे क्योंकि उसके बगैर तो हम ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ नहीं सकते. और आ चुकी है हमारी फ्रेंड की कॉल जो हमें बताएगी कि हमें अगला रास्ता कहाँ करना है. लगता है उसको पता लग गया है कि हमारी दोस्त का घर किस तरफ है. सो लेट्स सी फ्रेंड्स, करते हैं चैप्टर 2 का स्टार्ट, रेजिडेंट ईविल 4 का हॉरर गेम. और देखते हैं इस टाइम में हम कहाँ जाने वाले हैं. लगता नहीं है कि हम इसमें, लगता है कि हमें कहाँ से रहा. और ये देख सकते हैं ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी है और हमें सिर्फ एक चाकू मिला है और इस चाकू की मदद से ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा. गन्स तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है और लगता है वो ज़ॉम्बी चाकू बोले तो नाइफ. और ये ज़ॉम्बी एक स्निक करके इसको अटैक करना होगा बाहेंड से. ए ओ मिस हो गया, ओ बिट मिस हो गया. अरे यार क्या कर रहा है, लगता नहीं है था कि मुझे आराम से इसको फिनिश कर सकता था पर नहीं. अरे एक और नाइफ मिल गया, क्या मैं बटर नाइफ के साथ क्या क्या करूँगा. अगलों के पास पूरे मेरा सामान तो वो है. अब तो देखते हैं कि यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा. वायर्स लगी हुई है तो ये रेजिडेंट ईविल वाले की गेम समझ नहीं आती, सीधे रस्तों को जाने नहीं देता, उल्टे उल्टे रस्तों से जाते हैं. और ज़ॉम्बी भैया एक और समझ नहीं आती, इतने लोगों को यहाँ रखा हुआ है रखवाली के लिए लेकिन फिर भी वो कहाँ निकल गया. अल्बर्टो, अल्बर्टो तो नज़र नहीं आ रहा. और लेट्स सी देखते हैं अब हमें कहाँ जाना है. रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये क्रेट को पहले तोड़ते हैं और नाइफ पे नाइफ मिले जा रहे हैं. मुझे मेरे सामान दे दो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ और अपने दोस्त को बचा सकूँ. दोस्त भी वो जो कि छोड़ के भाग गया और एक और ज़ॉम्बी बहुत ही ज़बरदस्त अटैक. और ये आराम आराम से बाबा क्यों नहीं जाता. बाबा बोले तो प्लेयर, प्लेयर बोले तो खिलाड़ी, खिलाड़ी बोले तो गेम, गेम बोले तो टाइम पास, टाइम पास बोले तो जो हम भी कर रहे हैं आपके व्यूज़ के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक के लिए. और ये इसने दरवाज़ा खोल दिया है और भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता है शॉर्ट, टाइम है कम, और सॉरी रास्ता है लॉन्ग और टाइम है कम. और एक बहुत ही प्यारे जंप के साथ ही जा वो पहुँचने की करेगा वहाँ पे कोशिश क्योंकि दरवाज़ा हो जाना है बंद. और ये का नीचे और नीचे नीचे होकर जाना. वाह बहुत ही ज़बरदस्त डाइव.
और अब हमारी गन्स और हमारे वेपन्स हमें वापस मिल चुके हैं और हमारे सारे सामान हार्ट्स वगैरह हमारे पास आ चुके हैं। चलो अपनी क्वेस्ट करते हैं दोबारा स्टार्ट और निकलने की कोशिश करते हैं इस विलेज से और जाके मिलते हैं अपने दोस्त एलिस से। एलिस बोले तो अब मेरी फ्रेंड है जिस जो यहाँ पे खो गई थी, जिसको भेजने के लिए मुझे मिशन मिला था। चैप्टर वन में हमने उसको ढूंढने की थी बहुत कोशिश, विलेज से हमने थे गुजरे पर हमें मिला नहीं। अरे ये कौन है? ओ ये तो एडवेंचरर बाबा है जो हमें साजो सामान रास्ते में देता रहता है। आज ये यहाँ क्या करने आ गया है? चले देखते हैं हमारे पास कुछ इतने पैसे हैं कि इससे कुछ खरीद सकें। वैसे हमेशा ये कुछ ना कुछ महंगा ही बेचने की कोशिश करता है। देखते हैं एडवेंचरर बाबा नहीं, ये चलती फिरती शॉप है गाइस, जैसे शोल्डर शॉप होती है ना, ये शोल्डर शॉप है। और ये मैं कुछ जड़ी बूटियां, पिस्टल, वेपन, ये कुछ देने की कोशिश कर रहा है, मगर गुर्बत छाई है। देखते हैं कि मुझसे कुछ खरीद पाते हैं कि नहीं। ये क्या मेडिसिन है? नो मैप, मैप का हम क्या करेंगे गाइस? लेकिन मैप और ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रही। ये आई थिंक सो, लेकिन कुछ लेने की कोशिश कर। ये चीजें दिखा भाई, गन दिखा, मेडिकल किट दिखा, ये शॉट गन, और ये लेने की कोशिश करेंगे मगर पैसे हैं लेकिन नॉट इनफ मनी, सो हमें उन्हीं पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमारे पास है। और हम उस शोल्डर शॉप से निकल चुके हैं आगे, और अब हम देखेंगे कि हम किस तरफ जाना है, क्योंकि गन्स तो बुलेट्स तो हमें मिल चुकी हैं पर गन नहीं मिली। गन के लिए अभी हमारे पास पैसे कम हैं, सो हमें जाना पड़ेगा। ये दरवाज़ा शायद खुलेगा कि नहीं, देखते हैं। अरे नहीं, वही बात कि रेजिडेंट ईवल वाले कभी भी सीधा रास्ता आपको नहीं देंगे, कभी लेफ्ट कभी राइट, नहीं सीधा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, उल्टे सीधे रास्तों से इन्होंने भेजना होता है। लेकिन अब हमारे पास वेपन्स हमारे हैं पुराने वाले, और ये दद्दी अम्मा फिर से आ गई, पर इनको जाना पड़ेगा सोने के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कर सकूँ। सो गाइज, टाइम हो चुका है आज की पोइट्री का, आज की शायरी का, जो कि फनी नहीं है बिल्कुल भी। सुनिएगा गौर से एंड तक, आपको आएगा मज़ा। गाइज ये एक मैसेज है पूरी वर्ल्ड के लिए, जो कि इस वक्त दुनिया में हो रहा है, बहुत ही बड़ा जुल्म कह लें आप या कुछ भी कह लें, हम गेम के ज़रिए वह पहुंचाना चाहते हैं आवाम तक, क्योंकि अभी तक आपने गेम्स में फ़नी वीडियोस या फ़नी शायरी अकॉर्डिंग मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने भी वही किया, लेकिन अब हम थोड़ा सा सीरियस इसको लेने की करेंगे कोशिश। और ये सुनिएगा ज़रूर लास्ट तक, आपको आएगा मज़ा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही पेनफुल है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, तेरे महबूब ने जे सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, काश दुनिया ये समझ पाती के झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवा
ही है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा किबलाए अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोक से सूरज भी निकल आएगा। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। हैं बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते कि कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहां लत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। सो आफ्टर दिस पोएट्री वी आर बैक इन द गेम। द पोएट्री इज अबाउट द कोलोनिज्म ऑफ दिस नेटिविज्म इन द पैलेस्टीन विद द इसराइल। सो द मेन topic of this poetry is about the message that happening in the Israel for the Palestine. So we are going to back in the game and let's see where we heading. So let's back in the game. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि zombies बहुत आ चुके हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये message जो आया था poetry में वो simply ये था कि Palestine के जो इस time हालात हुए हैं उनके ऊपर हैं कि जंग लड़ने के भी काफ़ी असूल हुआ करते हैं। back to the game है, ऑफ हो गए थे हम गेम से ज़रा, लेकिन ऑफ हो के मकसद ये है कि एक छोटा सा मैसेज डिलीवर हो जाए वर्ल्ड को कि क्या हो रहा है फलस्तीन में। सो लेट्स सी वेयर वी आर इन द गेम। और अब हमें वो स्क्रॉल ढूंढना होगा जिससे वो दरवाज़ा खुलेगा, और हम इस टाइम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच सके, पर ग्रैनी हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाबा जी भी अपनी कुल्हाड़ी और बेल चले के हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि किसी भी तरह हमें वो मार दे और यहाँ से जाने ना दे। वी आर ट्राई आवर बेस्ट कि हम यहाँ से निकल सके जल्द से जल्द और अपनी दोस्त एलिस को ढूंढ सके जिसको हमें यहाँ से निकल के लेके जाना होगा, जो हमारा इस गेम में मिशन है। फुल ऑफ एडवेंचर्स ये गेम है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको ये खेलनी भी ना आती हो तो आप सुकून से इसको बैठ के देख सकते हैं और इस गेम को इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि शायद इस बॉक्स में वो ड्रिल हो, और नहीं, एक रूबी मिली है, बट रूबी से हमारा कोई काम नहीं होगा। और हमें जो मैक्सिमम चीज़ चाहिए वो वही है जो हमें मिलनी है। और ये दरवाजे का लीवर है, हाँ, वापसी जाते वक्त मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब तो मैं कोई सीढ़ी से चढ़ नहीं सकूँगा जहाँ से मैं आया था। लेट्स सी अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं मिली जिससे मैं निकल सकूँ कि वो मुझे मिल चुकी है आई थिंक। और अब हमें यहाँ से निकलना है बस, और ये थोड़े से ही लोग रह गए हैं। लेट्स सी इनको ख़त्म करें और चलते हैं अपने मिशन की तरफ। और मेरी बुलेट्स भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ आना फिनिश नहीं हो रहे हैं। जिस तरह ये एक एक करके आए जा रहे हैं, मुझे लगता है इनकी फौज पूरी है। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं गिरूँगा तो बचूँगा कि नहीं बचूँगा, क्योंकि नीचे तो मुझे पूरी खाई नज़र आ रही है। ये लकड़ियाँ क्या मुझे संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी? लेट्स सी। आई थिंक सो कि यहाँ लकड़ियों से कुछ भी नहीं होता, शायद ये मेरे पार्टनर को नहीं पता, और ये बहुत मर्ज़ीलों की तरह भाग रहा है। गाइस, मैं आदत से मजबूर हूँ, ना चाहते हुए भी पंजाबी के कुछ लफ्ज़ यूज़ करने पड़ जाते हैं, क्योंकि पंजाबी ही जो लैंग्वेज है बहुत ही मजाकिया और फ़न करने का मज़ा आता है। और यहाँ पे फिर एक चाबी चाहिए इसको, और ये चाबी लगता है इसको मिल चुकी है। अब देखते हैं ये खुलता है, और आगे खुल जा सिम सिम। ये चाबी ले नहीं रहा, शायद तस्वीर का कुछ मसला आ रहा है। हाँ, यस यस, उल्टा रोटेट कर इसको, रोटेट कर। ये मेरा पार्टनर जो है ना गेम खेलता, ये बहुत कुछ समझ नहीं है। इस तरह लगेगी चाबी उल्टी करके। यस, सो गाइस, सिम खुल गई है, देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है।
और ये एक रास्ता निकल आया अजीब सा, और ये ब्लू कलर की आग। हमें पहले चलती फिरती मार्केट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद आया था कि मेरे पास हो चुके हैं कुछ ज़्यादा पैसे, तो मैं सोच रहा हूँ एक गन को ख़रीद लेते हैं, आगे हमारे लिए गेम में बहुत ज़रूरी हो सकती है। वैसी एक ऑटोमेटिक गन, पर अब हम इसे रखेंगे कहाँ? हमारे पास सामान तो कुछ है क्या? शॉर्ट गन छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? लस्सी देखते हूँ, देखता हूँ इसको कहाँ रखें। शॉर्ट गन को यहाँ रख देते हैं, शॉर्ट गन को नहीं हिलाना। और ये मुझे नाइफ़ की इतनी क्यों ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा नाइफ़ इतनी क्या। चलो छोड़ते, नहीं यार चाहिए चाहिए भाई, केस को बनाएंगे तो पैसे कम हो जाएंगे। इस टाइम सिर्फ एक गन चाहिए। गन पकड़ते हैं और चलते हैं हम अपने मिशन की तरफ। लस्सी लस्सी क्या होता है? मिशन की तरफ अब हम जा रहे हैं। और लस्सी क्या होता है? और एक नाइफ़ हमारे पास है, एक जड़ी बूटी है हमारे पास, और नाइफ़ को हम रखते हैं बाहर, जड़ी बूटी की जगह बनाते हैं हम अलग से, और कोशिश करते हैं कि ये गन को यहाँ किसी तरह फिक्स किया जाए। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ फ़िक्स करो इस चीज़ों को। बस तो मुझे इतना छोटा दे के भेज देते हैं लोग मिशन पे, और काम इतने ज़्यादा करवाते हैं जिसकी कहने वाली बात नहीं है। लस्सी लस्सी कुछ ना कुछ तो हो जाए। अब जगह तो काफ़ी हो गई है, गन फिक्स क्यों नहीं आ रही फिर? ओ यस, गन फिक्स आ गई थी। और ये बैंडेज को हम इधर, और नाइफ को इधर, और जड़ी बूटी रह गई गाइस। और जड़ी बूटी का मतलब ये है कि अब हम अगर नहीं जड़ी बूटी को छोड़ते हैं, नाइफ को हम छोड़ सकते हैं पर हम वीट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्मोक वीट एवरीडे गाइस, स्मोक वीट एवरीडे। इसका मतलब जिसको नहीं पता अच्छी बात है, और जिसको पता है वो चुप ही रहे तो अच्छा है। लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और हमारे पास चीज़ें हो चुकी हैं पूरी, और हम दद्दू को छोड़ते हैं। चलती फिरती दुकान हमें शायद फिर आगे मिले, और अब हम अपने रास्ते पे चलते हैं। शॉर्ट गन, हमारी लवली गन जिसने हमें पहले मिशन में चैप्टर में बचाया था। और अब दरवाज़ा खुल जा सिम सिम होगा, जो हमारे पार्टनर कह रहे थे खुल जा सिम सिम, और अब खुल गया दरवाज़ा। लस्सी को का, और अब हम आ चुके हैं अपने मिशन की ओर दोबारा से। और ये देखो जी, अभी स्टार्ट हुआ है मिशन का थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर, और साथ ही हमें मिलने लगे हैं ज़ोंबी ददूस। और ये ज़ोंबी ददू छोड़ दे भाई, क्या करना है क्या? मेरा तेरा भी कह रहा है शॉर्ट गन की गोलियाँ तो ज़्यादा यहीं कर दूंगा। मुझे लग रहा है आगे कोई आ गया ना तो मेरी बैंड बच जाएगी। हाँ शॉर्ट गन की गोलियाँ ना देना बदतमीज़, और जो मर्जी कर दो रास्ते। एक और ददू, और एक और ददू। ये यार ये ददू मरा क्यों नहीं? शॉर्ट गन की गोलियाँ मेरे से ज़ाया करवाएगा। लस्सी अपने ऊपर नाइफ ही है एक, राइट लेफ्ट। ओड़े ओड़े यार, ये ट्रैप्स ददू ने ऐसे बिछाए हुए हैं कि ददू इसके ट्रैप में खुद नहीं गिरते क्या? दद्दू को इस चीज़ को देख के निकलना पड़ेगा। नीचे नीचे होके निकल ले भेड़ू। और ये क्या? और रिसोर्सेज तो हैं मेरे पास, मिले हैं मुझे, पर्ट प्रॉब्लम वही, बस्ता छोटा रिसोर्सेज ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं खर्चा ज़्यादा और पैसे कम। तोड़ते हैं ये क्रेट्स और निकालते हैं कोई चीज़ें। रूबी मिलेगी शर्तिया बात है यहां से। और यस देखा, जितना मैं इस गेम में होता जाऊँ परफेक्ट, मुझे पता है क्या क्या मिलना। और एक और रूबी मिली। नीचे होके निकल ले भेड़ू, क्योंकि है बहुत मुश्किल आगे रास्ते। और ये देखे एक और ट्रैप, ज़ोंबीज ट्रैप्स। अच्छा ज़ोंबीज के लिए ट्रैप बनने चाहिए, लेकिन वो ज़ोंबीज खुद इस ट्रैप में नहीं आते जबकि मैं आता जाता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं सुनसान रास्ते, अकेला मैं और मेरी ख्यालात। और अब यहाँ जाना है अकेले के रास्ता, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है और क्या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं कि अब कहाँ जाएंगे क्या नहीं। और रूबीज और काफ़ी चीज़ें तो कलेक्ट कर ली हैं मैंने, और इनफ होंगी हमारे अगले मिशन के लिए। मुझे शॉर्ट गन्स की भी कुछ लुट्स मिल गई। और ये जैसा कि हम जाते हैं एक बड़ा मॉन्स्टर विद अ चेनसॉ अगेन हमारा पीछा करते हुए। अरे इसको तो मैं पहले मार के आया था चैप्टर वन में, लगता है चर्च से वापस आ गया है ये हमें मारने के लिए। और मेरी गोलियां ख़त्म, मुझे पहले पता था यही होना मेरे साथ, जब एंड टाइम पे मौका मिल लेता है गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। और ददू छोड़ दे, ददू छोड़ दे मुझे, और ददू भी आ गए। और लगता है और ये लो ये ट्रैप पहले तो नहीं था, अब ये ट्रैप कहाँ से आ गया? पीछे देखो, पीछे तो देखो। और पीछे ही मेरे सारे पड़े होते हैं, आगे कोई जाने नहीं देता, पीछे ही सारे होते हैं। और ददू भी आ रहा है और चेनसा वाला भी आ रहा है। ओरे ये क्या, चेनसा ने तो अपने ही खिलाड़ियों को मार डाला, अपने ही साथियों को मार दिया। लगता है ज़्यादा चक्कर आ गए थे बेचारे को, लगता है सदमा लग गया था। और रूबीज मिली है और कुछ बुलेट्स। और लस्सी देखते हैं अब कहाँ जाना है, रास्ता समझ नहीं आ रहा। और ये लगता है बॉम है, अरे ये डिफ्यूज़ क्यों नहीं हो रहा? लगता है मेरे से जाने से डिफ्यूज़ होगा। लस्सी थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाल ही बच गए, लगता है कुछ और बचा नहीं होगा मेरा। लस्सी लगता है हम अपने मंजिल के बहुत बहुत करीब आ चुके हैं। और दरवाज़ा खोलेंगे पर आज के आपको रेजिडेंट ईवल की बातें हैं पता, ये भी नहीं खुलेगा दरवाज़ा क्योंकि है रेजिडेंट ईवल और कोई रास्ता है
ढूंढना पड़ना। और ये एक और क्रेट्स लेफ्ट मार के हमने किक और एक और तोड़ दिया। देखते हैं और क्या आता है, मिलता है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। और इस रास्ते की भी नहीं है चाबी, तो जाना कहाँ चाहते हैं, भेजना हमें कहाँ चाहते हैं ये बंदे। और ये दरवाज़ा 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 मिल जा मिल जा मिल जा, कोई रास्ता तो मिल जा यार, जाना तो बंदर ही पड़ेगा जो सिचुएशन लग रही है इस तरह की। और रास्ता तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, जाना कहाँ है। और ये क्या यार, झाड़ियों में ट्रैप, सीढ़ियों पे ट्रैप, इतने ट्रैप, मुझे नहीं समझ आ रहा ये गांव का नाम क्या ट्रैप विलेज है, जिसमें वैसे ट्रैप विलेज ही होना चाहिए क्योंकि इसमें मैं भी फंस ही गया हूँ आके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ से जाना वाना कहाँ है। बड़े बड़े भैया जाने दो, इमरान खान को पकड़ा है, मुझको क्यों छोड़, मुझे भी पकड़ लिया है, मुझको भी छोड़ दो। और एक ग्रेनेड फेंक दे, नहीं नहीं ग्रेनेड का भी क्या काम। और जैसे कि आपको पता है ज़ॉम्बी सरप्राइज देते हैं, और मुझे लग रहा है इस दरवाजे के पीछे भी मुझको मिलने वाला है सरप्राइज। खुल जा सिम 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 सिम, अरे खुल क्यों नहीं रहा। अच्छा जो भी है मुझे ड्रैग हुई ना, ए और ददू, मेरे ददू एक और मिल गया, मुझे पता था यार ददू ही होंगे कि मुझसे डराने वाले और तो होते कोई नहीं है, सिर्फ यही लोग होते हैं जो मुझे डराते रहते हैं हर स्टेप पे, हर मुश्किल पे ये मुझे डराते रहते हैं। लेट्स सी, अब ढूंढते हैं हम इस जगह पे कुछ ना कुछ तो यहाँ मिलेगा जो हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। और ये क्या, ये मिल गई एक चाबी जिसका था हमें इंतज़ार, जो हमें देगा यहाँ से निकला। कुछ पुरानी फोटोज लग रही हैं, लगता है यहाँ कोई रहते थे पहले, रहते तो यहाँ सब थे, ददूस तो मुझे मिले हैं, पर ददूस भी मेरे ख्याल से यहाँ कुछ हुआ था ऐसा जिसकी वजह से इन सबको ऐसा बनना पड़ चुका है। फिर से रिसोर्सेज मिले, पर रिसोर्सेज यूज़ ना कर सकेंगे हम क्योंकि वो है बहुत ही बड़े और हमारे पास है बैग में बिल्कुल भी नहीं जगह रिसोर्सेज के लिए। सोच रहा हूँ कि बैंडेज गिरा दूँ, पर मैं सोच रहा हूँ बैंडेज गिराने के बाद क्या काम होगा। ये तो आ गया, ये आएगा, एक चीज़ आ सकती है तो शॉर्ट गन क्यों छोड़ा भाई, शॉर्ट गन छोड़ दिया तो मैं गया, आगे कोई बड़ा मॉन्स्टर आ गया ना तो उसने मुझे छोड़ देना। और ऊपर से दद्दू का पता कोई नहीं, दद्दू भी आ जाए, अरे ये फिक्स तो हो रहा है। अरे नहीं, रिसोर्सेज मुझे फिर छोड़ने पड़ेंगे, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम रिसोर्सेज। और मुझे कुछ और, एक और ग्रेनेड मिला। अरे ये दरवाज़ा है, इस पर कुछ चिड़िया बनी हुई है, दो ग्लास बने हुए हैं, पर इसका करना क्या है भाई, कोर बच्चा भैंस ये क्या बना हुआ भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, इस कमेंट करके बताना ये क्या है, मुझे तो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। लेट्स सी, लगता है किसी तरह की पहेली है, अंदर से कोई आत्मा शात्मा तो नहीं निकलने वाली किसी दद्दू की। अब नहीं खुल रहा भाई, नहीं खुल रहा, लगता है कोई पहेली है और इस पहेली का राज भी इसी जगह पे होगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है, मुझे पता लगाना होगा कि वो है कहाँ और इसको खोलना कैसे है। गोली से भी नहीं ये टूटेगा, डेफिनेटली गोली से टूटता होता तो मैं तो दो मिनट में तोड़ देना था। अच्छा कोई किताब शिताब कोई पेज पूछ लेते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, इतना तो नहीं है बड़ा घर, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ। दद्दू, कोई दद्दू मुझे डराने डूने ना आए दद्दूस। और ये क्या है, अच्छा पहली मैंने देख ली, पहले आएगी फसल, फिर आएगा पिग और फिर आएगा बच्चा, देन वी विल बी ओपन टू द बॉक्स। लेट्स सी, चलते हैं वापस। और अब हमें पहेली का राज पता लग गया, मैंने कहा था ना मैं हूँ CID का दया, इसको हर चीज़ पता होती है कहाँ कहाँ से क्या होना है और कैसे इसके साथ डील करना है। जैसा कि अब मुझे यहाँ का भी पता लग गया है कि मैंने कहाँ से कहाँ जाना है। चल भाई मैंने बहुत पढ़ लिया, अब कितना पढ़ाएगा, मुझे पहेली तो पता लग गया। दरवाज़ा ये है बंद, इसमें लगेगा कोई गोला, तुम्हारे पास है कोई गोला? नहीं मेरे पास तो कोई गोला नहीं है, मुझे गोला भी ढूंढना पड़ेगा। लेसी अब कहाँ से गोला मिलेगा यार, मुझे रेजिडेंट इवल वालों की बात नहीं समझ आती, कभी कुछ नहीं है कभी कुछ नहीं है कभी कुछ है, कभी रास्ते बंद है कभी दरवाजे बंद है। यार दरवाजे जरूर से खोल के रखो, क्या दद्दू लोग सोते नहीं है यहाँ पे। और लेसी मुझे पहेली तो पता लग गई है पहेली, अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके 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 गाइस, ये बहुत ही पुराने वक़्त का ताला है, पिछले वक्तों में ताले ऐसे ही लगाए जाते थे चीज़ों को, और आई थिंक सो कि इसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छा नयाब मिलने वाला है। और देखते हैं क्या, जितनी मेहनत के बाद ताला खुला, और वाओ ये क्या था, क्रिस्टल, क्रिस्टल बोले तो शीशा, शीशा बोले तो वो पीने वाला शीशा नहीं गाइस, ये गोल शीशा। और दद्दू ने आगे फिर पकड़ लिया, मुंडी इसकी टूटी हुई है और बहुत ही जालिम तरीके से मार दिया, शुक्र है कि ये गेम है नहीं तो दिल को कुछ हो जाता, वैसे अदरवाइज़ गेम ही रहे तो अच्छी बात है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब देखते हैं अब कि अगली मुलाकात हमारी किससे होती है। यहाँ पे फिर चाहिए चाबी और ये चाहो, अच्छा ये वो क्रिस्टल है जो कि हमें नीचे से मिला है, ये वहाँ पे लगेगा और वाओ बहुत ही ज़बरदस्त।
ये तो एक पहेली की तरह है जो कि हमें सुलझाना पड़ेगा। और लग जा भाई, लग भी जा। अब बच्चे की जान लेगा क्या? और देखते हैं कि नहीं एक्सेप्ट करता है इसको कि नहीं। गाइस अगर ये हमने थोड़ा सा काट दिया है, ये मेरे पार्टनर को ये पार्ट पूरा करने में कमोबेश 10 से 12 मिनट लगे थे। ये जो तस्वीर थी ये सॉल्व भी नहीं हो रही थी, लेकिन हमने बीच में काट दिया। मेरा पार्टनर मेरी तरफ आंखें निकाल रहा है कि उसकी मैं करतूत आपको बता रहा हूँ, बाकी ये अपनी ज़ुबानी खुद बताएगा। हाँ, हमें बहुत टाइम लगा था क्योंकि इसमें मुश्किल ही बहुत ही। और लस्सी हमें की मिल गई है, बट ये कौन आ गया? पार्ट वन का वही पुराना दद्दू, और दद्दू इज़ बैक। और ये एक और लात, पिछले पार्ट में एंडिंग पे हमें उठा के पटका था और इस दफ़ा लात। यार ये दद्दू क्या है, इसके अंदर क्या खाता क्या होगा? ये हमेशा आता है और उठा उठा के फेंकने लग जाता है, इसको क्या है? अरे अरे अरे, ये हमारी आंखों में क्या हो रहा है? वो लगता है जो इसने हमें पार्ट वन में जो इसने हमें गोली दी थी वो काम कर गई। अरे ये बाहर कौन है शीशे के? एलिस? अरे ये तो माई फ्रेंड एलिस है। ओए, और लगता है दद्दू भी बहुत गुस्से में आ गए हैं और दद्दू जा रहे हैं, पर यार दद्दू की समझ नहीं आती। हर एंडिंग पे आते हैं, हमें मारते हैं और चले जाते हैं। दद्दू तुम टेंशन ना लो, एक दफ़ा आएंगे और तुम्हें भी मार के ही जाएंगे। दद्दू वी विल कम बैक, वापस आ दद्दू। ये चैप्टर ख़त्म होने की निशानी है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में मैं देख रहा हूँ जब ये दद्दू आते हैं तो मेरा जो हैंडसम फ्रेंड है उसका काम तमाम कर देते हैं, और आज बचा लिया उसकी फ्रेंड ने। और देखा, इसके साथ ही हो गया चैप्टर एंड। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।